हेलो गाइस, मेरा नाम है अयान डायरीज और यह है कुकिंग चिकन करी का पार्ट 5 और यह है फाइनल पार्ट। तो अब आपने लास्ट एपिसोड में देखा था, हमने चिकन में टमाटो प्यूरी ऐड की थी और हम उसमें कोड ऐड कर रहे हैं टू स्पून कोड। देखिए गाइस, बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है इसमें से एंड फ्रेगनेंस बहुत अच्छा आ रहा है। एंड ये देखिए गाइस, कितना अच्छा कलर है इसका, रेडिश ब्राउनिश कलर का देख ही सकते होंगे। एंड अब एवरेस्ट का चिकन मसाला हम इसमें डालेंगे, तो हम इसमें थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं। कितना ऐड करना है? 1.5 स्पून इसमें ऐड कर रहे हैं। 1.5 स्पून इसमें ऐड कर रहे हैं हम लोग एवरेस्ट का चिकन मसाला, हम लोग वही यूज़ करते हैं। एंड ये है गरम मसाला ऐड कर रहे हैं होममेड। तो गाइस, आपने अगर पिछले पार्ट नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम यहाँ कुक कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। सॉरी गाइस, थोड़ा सा छांस भी आ रहा है तो छींक भी खा रही है, बट ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है गाइस। एंड जब ये फाइनली बन जाएगा तो उसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट्स बनाऊंगा, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा फाइनल जो प्लेट में जो है। अभी भी दिखाएंगे गार्निशिंग करने के बाद। तो आप देख ही सकते हो हमारा चावल भी पक ही गया है ऑलमोस्ट। वैसे बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, हम इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर रहे हैं। तो भाई ये देखिए, इतना मस्त निकल के आया है ये फाइनल प्रोडक्ट। गाइस, थोड़ा सा छांस वांस भी है तो थोड़ी ठीक आ रही है। अब हम लोग चावल को देखते हैं। तो गाइस, ये है हमारा चावल जो पक चुका है, पानी इसमें निकल चुका है। तो गाइस, अब देख ही सकते हैं। तो गाइस, अभी ये फाइनल पार्ट था। तो शॉर्ट्स जो है मैं वीडियो बना के भेजूंगा गार्निशिंग के बाद। तो फाइनल जो है वीडियो आपको मिलेगा, ये फाइनल पार्ट था कुकिंग वाला, जो फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा। तो तब तक के लिए पार्ट 5 फाइनल पार्ट यहाँ पे एंड होता है।